नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कलयुग में पहली बार ऐसी घटना होगी जहां ब्रह्मांड के सभी देवी देवता एक साथ आप सभी के साथ खड़े होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के समक्ष आकर आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की बारिश करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि अगले 5 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, जो बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है कि दोस्तों खुशी से पागल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 5 दिनों के अंदर आपके जीवन काल के कुछ ऐसे अधूरे सपने सच होने वाले हैं, कुछ ऐसे आपकी मन की इच्छाएं पूरी होने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप खुशी के आंसू रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में ब्रह्मांड के सभी देवी देवता प्रसन्न हो चुके हैं। दोस्तों, आप सभी के जीवन काल के सभी प्रकार के समस्याओं का अंत करने वाले हैं। आने वाले 5 दिनों का समय आप सभी के लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समय होंगे। यह समय जो बड़ी घटना होने वाली है आप जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये 5 दिन भगवान का दिया हुआ वरदान है, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का दिया हुआ वरदान है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का दिया हुआ संकेत है, वरदान है। अगर आप इन्हें अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों हम यह बात दावे के साथ कहते हैं कि आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी जातक आज की इस वीडियो को भूल कर भी मिस कर देगा दोस्तों, वह अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो भी जातक आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेगा दोस्तों, उनके जीवन काल में पेशों की जो भी समस्या है दोस्तों, वे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से उनके जीवन काल में खुशियां ही खुशियां रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों के अंदर आप सभी की कुंडली में, आप सभी की राशि में बड़े ही महापंच पुरुष योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके ग्रहों में पंच ग्रह एक साथ होने वाले हैं, अर्थात दोस्तों बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि और मंगल आपकी राशि में एक साथ आने वाले हैं। और दोस्तों इन्हीं के कारण आप सभी के घर, आप सभी के जो भाव का घर है वो दोस्तों उच्च का होने वाले हैं। जी दोस्तों, और इन्हीं के कारण पंच महापुरुष योग का निर्माण आप सभी के राशि पर, आप सभी की कुंडली पर बनने वाले हैं। और दोस्तों इन्हीं के कारण आने वाले 5 दिनों के ही अंदर आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं दोस्तों, अगले 24 घंटों तक आपको बिल्कुल इन्हें सुन ही लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई काम है तो दोस्तों वीडियो छोड़ कर भी जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर आपको इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम आपको फिर से बता दें कि ये जो पंच महापुरुष योग का निर्माण है आप सभी की स्थिति को बिल्कुल ही बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, पहला योग है हंस योग। जी दोस्तों, यश में गुरु आपके केंद्र में आएंगे, जिससे दोस्तों स्वयं आप सभी के लाभ का घर आपके उच्च घर में आने वाले हैं, और दोस्तों इनसे हंस योग का महानिर्माण होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बड़े बदलाव होंगे। और दोस्तों दूसरा जो योग है वह है माली योग। दोस्तों शुक्र का जो असर है आपकी स्थिति, आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी है, और दोस्तों शुक्र का आपके लाभ भाव में आ जाना दोस्तों आपके लिए बड़े योग का निर्माण कर रहा है। इसके उपरांत दोस्तों भगवान शनिदेव का शश नाम का भी शुभ योग का निर्माण यश में होने वाले हैं। जी दोस्तों, पिछले समय के आपके कर्म, पिछले समय के आपके सद्भाव और पिछले समय की आपके कार्यों में मेहनत को देख कर भगवान शनिदेव भी यश में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। और दोस्तों भगवान शनिदेव का नज़र जिनके भी ऊपर होते हैं दोस्तों, उनके जीवन काल में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है, उनके जीवन काल में उनके कर्मों का फल हमेशा उन्हें मिलकर ही रहता है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको बड़ी ही खुशखबरी मिलने वाली है, बड़े ही सफलताएँ आपको मिलने वाली है। कौन कौन सी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आप सभी को मिलने वाली है, आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल ही विस्तार से समझाने वाले हैं, बिल्कुल ही विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यश में आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन से संकेत यश में आपको मिलने वाले हैं, ताकि आप समझ जाएं कि आपके ऊपर
अब भगवान शनिदेव का नज़र है आपके ऊपर, भगवान भोलेनाथ का नज़र है जी दोस्तों, और आपका अच्छा समय आने वाला है दोस्तों, यही संकेत तय करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो का कोई सा भी अगर आप पार्ट मिस कर देंगे या फिर कोई भी बात अगर आप नहीं सुन पाएंगे दोस्तों, जाने अनजाने में आप अपने जीवनकाल की बहुत ही बहुमूल्य समय को ही खो देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार आप अपने जीवनकाल में अभी पेशों की समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं, इसी प्रकार दोस्तों आने वाले समय में भी आप बहुत देर परेशान रहेंगे। लेकिन दोस्तों और दोस्तों इसी प्रकार अगर आप इस ग्रहों की स्थिति को ही मिस कर देंगे तो दोस्तों आने वाले समय में भी आप बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे, बहुत ही ज़्यादा आप अफसोस करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही खास है, समय बस आपको इतना करना है कि अपने जीवनकाल के कुछ महत्वपूर्ण समय को निकाल कर दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को देखते देखते आप सभी के जीवनकाल में कुछ इस प्रकार के बदलाव होने वाले हैं कि दोस्तों सुनकर ही आप खुशी से उछलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 घंटों के अंदर इन ग्रहों का निर्माण आप सभी के कुंडली में हो ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आने वाले 24 घंटों के बाद आप सभी के जीवनकाल में बड़े ही बदलाव और बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आने वाले 5 दिनों तक आप सभी को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है, उससे पहले दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको कौन सी बातों को लेकर सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपका स्वभाव सबसे सरल होता है दोस्तों, आप भावनात्मक रूप से बहुत ही कमज़ोर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवनकाल में बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं, सभी के साथ अच्छाइयाँ करते हैं और दोस्तों कई बार आपकी यही भाव आपको बुरा बना देता है। जी हाँ दोस्तों, आप इतना भावनात्मक होते हैं कि दोस्तों आपके सामने कोई भी इंसान गलत कर रहा है तो दोस्तों आप उन्हें देख नहीं सकते, आप हमेशा सत्य के सामने खड़े हो जाते हैं, चाहे दोस्तों आप कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे आपके पास कुछ हो या फिर ना हो। जैसे कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कि सहयोग असहयोगी है, जो कि कमज़ोर है, जो कि बिल्कुल ही असहाय है और आपसे वो मदद मांग रहा है, तो दोस्तों आप अपना पर्स नहीं देखते, बस उनके मदद के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार का भाव रखने से आप सभी का कर्म बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इनके साथ ही साथ यश में आप अपने ही लोगों के जाल में फंसते जा रहे हैं। दोस्तों ज़्यादा भावनात्मक होना भी आपके लिए बहुत बार भार भी पड़ा है और दोस्तों आने वाले समय में भी आपको बस अपने जीवनकाल में कुछ बातों का ध्यान रखना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी आपके अपने लोग हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके साथ अपने होने का नाटक करते हैं दोस्तों, वही लोग आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह लोग इतने खास आपके हैं कि दोस्तों आप इन पर आँख मूंद कर भी भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के इस कलयुग में आपने जिनके भी ऊपर आँख मूंद कर भरोसा किया है, जिनके भी ऊपर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है, वही लोग आपको हमेशा धोखा देते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि आने वाले समय में आपको बस यही काम नहीं करना है कि आंख मूंद कर आप इन शपोले पर आपको भरोसा नहीं करना है जो आस्तीन का सांप आपके जीवनकाल में बनकर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने पिछले जीवनकाल में इन सभी के लिए क्या कुछ नहीं किया है। दोस्तों इन्हें खुश करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दिन से रात आपने कर दिए हैं, फिर भी दोस्तों ये खुश नहीं हुए हैं आपके जीवन से। और दोस्तों जब भी आप अपने जीवनकाल में अपने लिए कुछ सोचते हैं, जब भी आप अपने खुशी के बारे में कुछ सोचते हैं तो दोस्तों ये लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं और ये लोग हमेशा आपके कार्यों में बधाई लाने का प्रयास करते रहते हैं। और दोस्तों बहुत बार ऐसा संकट में आपको इन्होंने डाला है कि दोस्तों आप इनसे उभरने में बहुत ही समय आपको लगा है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय में ये लोग आपके सबसे ज़्यादा सगे और सबसे ज़्यादा संबंधी थे और दोस्तों आज के दौर में ये लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही लोग आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ी जो है मुसीबतों में भी डाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको आने वाले समय में इन लोगों से सावधान होना है। दोस्तों इन लोगों से आपको कैसे सावधान होना है, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इन लोगों से आपको ना ही बोलना है, ना ही कुछ करना है, बस दोस्तों इन लोगों से आपको रिश्ता तोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहचान गए हैं कि ये लोग आपको धोखा दिए हैं
तो दोस्तों दोबारा इन पर आपको भूल कर भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो दुश्मन हैं, जो धोखेबाज हैं, उन पर आप कुछ भी कर ले वो धोखा आपको देगा ही। और दोस्तों यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो शत्रु होता है, जो आपको एक बार धोखा दे देता है, उन्हें माफ़ कर अच्छा बन जाओ, लेकिन ऊपर विश्वास करके दोबारा बेवकूफ़ मत बनो। जी हाँ दोस्तों, और यही चीज़ अब आपको अपने जुनकाल में भी अपनाना है। जी हाँ दोस्तों, अब कोई भी कितना भी खास इंसान हो, किसी पर भी आपको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपने अपने जुनकाल में देखे हैं कि आपने जिनको जितना मदद किए हैं, उनने आपको उतना ही धोखा दिया है। जब आपने उनका मदद किया है, और दोस्तों जब आपको उनकी बारी आई, जब आप मुसीबत में आए, जब आपने सहारा मांगने की कोशिश की, तो दोस्तों वह व्यक्ति आपके दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए। जी हाँ दोस्तों, ये लोग आपसे पीठ दिखाकर भागे, यही लोग हैं जो कि आपके मुंह पर अच्छे बोलते हैं और पीठ पीछे आपकी ही बुराई करते हैं। सामने आते हैं तो दोस्तों आपकी तारीफें करते हैं, और जहाँ आपके पीठ पीछे गए लोगों के साथ आपकी बुराइयाँ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपकी इज्जत प्रतिष्ठा को हमेशा ही ये गिराने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार आप अपने कार्यों में असफल हो जाएं, किस प्रकार आप अपने जुनकाल में बिल्कुल ही गिर जाएं, किस प्रकार आपके कार्य भंग हो जाए, किस प्रकार आप इन लोगों से छोटे हो जाएं। जी दोस्तों, जितना आप कमा रहे हैं उनसे बहुत ही कम कमाएं, ये लोग हमेशा आपसे ऊपर रहे। दोस्तों इस प्रकार की भावनाएं ये लोग अपने अंदर रखते हैं, इसलिए दोस्तों अब आपको संभलना होगा, ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी, ऐसे लोगों से अब आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत हो गया जब आप इन लोगों के साथ अच्छे किए और अच्छे करने के बावजूद भी ये लोग आपका नहीं हुआ, तो दोस्तों इनसे दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आप अपने जुनकाल में ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताते हैं कि आपने जितने अच्छे इन लोगों के साथ किए हैं, भले ही दोस्तों ये लोग आपका नाम नहीं लिए, लेकिन दोस्तों आपने जो भी अच्छा कर्म अपने जुनकाल में किए हैं, जो भी अच्छाई सभी के साथ किया है, दोस्तों वही अच्छाई देखकर ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, वही आपकी अच्छे कर्म को देखकर ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, और दोस्तों आपकी कुंडली में, आपके ग्रहों में बड़े ही शुभ योगों का निर्माण करते हैं, और यश में आपके ग्रहों में, आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी का जीवन आने वाले 24 घंटों के अंदर बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों कुछ बातों का भी आपको अगले 24 घंटों के अंदर ध्यान रखना होगा, और कुछ उपायों को भी करने होंगे, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो योग का निर्माण हुआ है, इनसे दोस्तों आपका जो भी कार्यक्षेत्र है दोस्तों, वह बिल्कुल ही बेहतर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्षेत्र में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी अड़चने आपके कार्य में बने हुए थे दोस्तों, वे सारी परेशानी अड़चने खत्म होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण आप सभी के जीवन काल में अब लाभ के नए मौके मिलने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में आपको कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिनसे दोस्तों आप अपने कार्यों को बिल्कुल ही दोगुनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। जी दोस्तों, यश में स्वयं कर्म के देवता भगवान शनिदेव की नज़र आपके ऊपर है। जी दोस्तों, यश में आपके कर्मों का अच्छा फल मिलने वाले हैं, आपकी अच्छाई का यश में फल मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, अगले 24 घंटों में आप सभी के जीवन काल में भगवान शनिदेव और भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न रहने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है और जो भी आर्थिक तंगियां हैं, दोस्तों उन सभी से मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको अपने जीवनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, कि दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संकेत भी आपको अगले 24 घंटों के अंदर मिलने वाली है, या फिर दोस्तों अगले 7 दिनों के अंदर मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की जो स्थिति है ये अगले 24 घंटों से शुरू होगी और आने वाले 7 दिनों तक आप सभी के ही राशि में विराजमान रहने वाली है। तो दोस्तों कौन कौन से संकेत आप सभी को मिलने वाली है? सबसे दोस्तों पहला संकेत यह है कि दोस्तों आप जब भी कोई कार्य करें, दोस्तों उस कार्यों में आप देखेंगे कि कोई कार्य अचानक से ही सफल हो गया है, कुछ कार्य अचानक से ही बन गए हैं जिनमें आपको कई गुना लाभ मिलने वाले थे, जिन दोस्तों जिन पर आप यकीन नहीं किए थे वह कार्य आपका बन गया है। तो दोस्तों ये यह संकेत है कि ईश्वर आपके साथ है। जी दोस्तों, चाहे वह कार्य छोटा भी हो,
चाहे वह कार्य आपका बड़ा भी हो। दोस्तों कोई भी कार्य हो, अगर वह कार्य सफल हो गया तो दोस्तों यकीन मानिए ये ईश्वर का संकेत है, भगवान भोलेनाथ और भगवान शनिदेव का ही संकेत है। दोस्तों दूसरा जो संकेत है कि आपके घर में गौ माता आ जाना। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि द्वार पर अगर कोई गाय आ जाती है तो दोस्तों इनका सबसे ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदू धर्म में सभी गायों में माँ का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर पर, यदि आपके द्वार पर गौ माता दिखाई दे तो दोस्तों समझ लेना है कि ईश्वर माता रानी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, ईश्वर भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और दोस्तों आपको अच्छे संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। दोस्तों अगला जो संकेत है, अगले 7 दिनों के अंदर यदि आप कहीं घर से बाहर जाएंगे तो दोस्तों आपके सामने कोई स्त्री ऐसी होगी जो अपने आंगन में झाड़ू लगाती होगी। दोस्तों ऐसा अगर दिख जाए तो दोस्तों यकीन मानिए, दोस्तों ये हमारे प्राचीन काल से ही शुभ संकेत माने जाते हैं कि दोस्तों झाड़ू का संदर्भ माता लक्ष्मी से है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों अगर आपको कोई भी स्त्री झाड़ू लगाते दिख जाए दोस्तों यकीन मानिए ये आपके जीवन काल में अच्छे समय आने के ही संकेत हैं। दोस्तों अगला जो संकेत है वह यह है कि आपके घर में, आपके आसपास या फिर आपके छत पर दोस्तों अगर कोई पक्षी आकर बैठ जाती है, जी दोस्तों कोई भी प्राकृतिक पक्षी हो जाती है, अगर दोस्तों उल्लू दिख जाए तो दोस्तों ये तो सबसे बड़े ही शुभ संकेत है आपके अच्छे समय आने के। दोस्तों कबूतर भी आते हैं, कोई भी पक्षी आते हैं तो दोस्तों ये सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि आपके घर में अब शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है, अब आपके घर की बरकत होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके घर में लाभ होंगे, आपके घर में सफलताएँ आएंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके छत पर आती है तो दोस्तों इसी में आपको एक और महत्वपूर्ण उपाय इसी समय करना है, अगर ये संकेत दिख जाए तो दोस्तों उसी समय आपको अपने छत पर पानी की व्यवस्था करना है, दाने का व्यवस्था करना है। दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और जो भी आप कार्य करेंगे उनमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगला जो संकेत है वह यह है जो कि दोस्तों आपको मिलना तय है। जी दोस्तों, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो दोस्तों ये संकेत आपको मिले भी होंगे या फिर दोस्तों ये संकेत आपको मिलेगा। जी दोस्तों, आप देख पाएंगे कि जब भी आप रात्रि को सोएंगे, चाहे दोस्तों आप 10 बजे सोएं, 12 बजे सोएं, जी हाँ दोस्तों चाहे आप सुबह के ही समय सोएं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब भी आपका नींद 3 से लेकर 5 बजे के बीच सुबह के समय खुल जाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि ये जो संकेत है ये बहुत ही शुभ संकेत है। दोस्तों हिंदू धर्म में कहा गया है कि 3 बजे से लेकर 5 बजे का समय ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है और यह समय सभी ईश्वर शक्तियाँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, उन्हीं के जीवन काल में आती है जो अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग अपने जीवन काल में अच्छे व्यवहार करते हैं। जी दोस्तों, जो लोग अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और दोस्तों उन्हीं के जीवन काल में ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ दिखती है और दोस्तों ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच दोस्तों आपको उठाना चाहती है, आपको कहना चाहती है कि उठ जाओ, अब मैं तुम्हें खुश करने वाली हूँ, अब तुम्हारी इच्छाएँ पूरी करने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर आपका भी नींद सुबह के समय 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती है तो दोस्तों ये आपके जीवन काल के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण संकेत होंगे। इनसे आपको समझना होगा कि आपके जीवन काल में अब अच्छा समय आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके जीवन काल में इनमें से कोई भी संकेत आपको दिख जाते हैं तो दोस्तों आपका भी दायित्व और आपका भी कर्तव्य होता है कि आप अपने जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण बातों का खास ध्यान रखना है। जी दोस्तों, जो कि सभी लोग अपने दैनिक जीवन काल में करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आपके जीवन काल में ऐसा कोई शुभ संकेत आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने जीवन काल में क्या करना है कि दोस्तों किसी को भी अपने मुँह से अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जी दोस्तों, अपने मुँह से अपशब्द शब्द का आपको उच्चारण ही नहीं करना है, चाहे दोस्तों वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, कोई भी हो, किसी के ऊपर आपको ये शब्द गलत अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों हमेशा आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको मांसाहारी भोजन भूल कर भी ग्रहण नहीं करना है, ऐसे अगर आपके जीवन काल में शुभ संकेत आते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, अगला जो कार्य है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना है
वह है दोस्तों अपने घर की स्त्रियों का, बाहर की स्त्रियों का, या फिर आपके जीवन काल में कोई भी स्त्री हो, चाहे आपके काम पर कोई स्त्री हो। दोस्तों कोई भी स्त्रियों को आपको अपमान नहीं करना है, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो या फिर कोई भी हो। दोस्तों भूल कर भी उनके साथ आपको गलत व्यवहार नहीं करने हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में माना जाता है कि स्त्रियों में माता लक्ष्मी का वास है। जी दोस्तों, स्त्रियों को माता लक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप उनके साथ कोई गलत व्यवहार करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपके जीवनकाल से माता लक्ष्मी रुक जाएंगी। और दोस्तों जो भी आपके जीवनकाल में सौभाग्य बनने वाली है वे दुर्भाग्य में बदल जाएगी। तो दोस्तों भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करना है। तो दोस्तों इन बात का ध्यान रखें। दोस्तों अगला जो चीज़ है, अगला जो बात है जो आपको अपने जीवनकाल में खास तौर पर ध्यान रखना है, दोस्तों अगला यह है कि यदि आपसे कोई भी बूढ़ा स्त्री अगर आपसे कोई मदद मांगती है, यानी कि दोस्तों अगर वो विधवा हो तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि अगर विधवा आपसे कोई मदद मांग रही है तो दोस्तों उनका आपको मदद हर हाल में करनी है। चाहे दोस्तों आपके पास वश में कुछ हो या ना हो, लेकिन दोस्तों आपको उनका मदद करना है जितना हो सके। जी हाँ दोस्तों, आपको उन्हें बिल्कुल ही यूं ही खाली हाथ नहीं भेजना है। जी दोस्तों, अगर वो 100 की मांग कर रही है तो दोस्तों आपको 10 देना है, 5 देना है। ऐसा नहीं कहना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों आपको झूठ भी बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जी दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। इनसे दोस्तों भगवान शनिदेव अति प्रिय होते हैं। जी दोस्तों, हमेशा भगवान शनिदेव उन भक्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनके प्रिय भक्त बन जाते हैं। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, जो लोग विधवाओं को खाना खिलाते हैं, जो लोग वृद्धों से बिल्कुल आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो भी वृद्ध व्यक्ति से आशीर्वाद ले लेता है, दोस्तों उनके जीवनकाल में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो भी स्त्री विधवा होती है, जो भी लोग अपने जीवनकाल में कष्ट झेल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवनकाल में भगवान शनिदेव का ही कर्मों का सजा वो भोग रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप भगवान शनिदेव के सामने अपने माथा को टेकेंगे तो दोस्तों हमेशा ही भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों आने वाले समय में अगर कोई विधवा स्त्री आपसे सहयोग मांगती है तो आपको उन्हें कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करना है। अगला जो बात है जिन्हें आपको अपने ध्यान में रखना है दोस्तों, वह यह है कि यदि आपके घर में, यदि आपके द्वार पर कोई साधु आ जाते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि उन्हें दान पूर्ण अवश्य करना है। जी हाँ दोस्तों, जितना आपसे हो सके उतना दान पूर्ण करना है। दोस्तों अगर आप दान पूर्ण नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, उन्हें अपने दिल के सारी भावनाओं को बता दीजिएगा। दोस्तों अगर आप सक्षम हैं तो आप उन्हें वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, भोजन का भी दान कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन दोस्तों मनुष्य आपको दान करना है। दोस्तों यकीन मानिए ये चीज़ आपको अगले 7 दिनों के अंदर करना ही है। अगर आपको कोई शीत आपके द्वार पर आते हैं तो दोस्तों आपको करना है। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके अच्छे संकेत हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों वो कहते हैं कि सही लोगों को सब कुछ इसलिए नहीं मिल पाता है कि वह अपने जीवनकाल में कुछ महत्वपूर्ण गलती कर देते हैं। जी दोस्तों, और महत्वपूर्ण गलती इन्हीं में से है जो कि दोस्तों हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों इन बातों का खास ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 7 दिनों के अंदर आपको अपने जीवनकाल में एक और महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बातों का ध्यान रखना है कि यह है कि दोस्तों भूल कर भी किसी के भी ऊपर आपको आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी जातक किसी और के ऊपर आँख मूंद कर भरोसा कर लेता है, दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में यह होता है कि वह व्यक्ति दूसरे के कर्म पर टिका रहता है। वो लोग अपने कर्म पर भरोसा नहीं करते हैं, वो लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं। और दोस्तों इससे खासकर ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों ईश्वर ने हर किसी को उनके जीवनकाल में सब कुछ दिए हैं, बस उनको पहचान करने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों जो भी व्यक्ति दूसरे के ऊपर आँख मूंद कर भरोसा करता है, जो व्यक्ति किसी और पर आश्रित रहता है, उनके जीवनकाल में ईश्वर प्रसन्न नहीं रहते हैं। तो दोस्तों खासकर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जी दोस्तों, और दोस्तों अगले 7 दिनों के अंदर आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए ताकि दोस्तों अगले 7 दिनों के अंदर जो ये ग्रहों की स्थिति बनी है इनका पूरा पूरा शुभ प्रभाव आपके जीवनकाल में हो। और दोस्तों जो भी समस्याएँ, जो भी संकट आप सभी के जीवनकाल में हैं, दोस्तों उनसे आपको मुक्ति मिल जाए।
दोस्तों पहला जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि किसी को भी आपको उधार नहीं देना है, चाहे दोस्तों आप व्यापारी हैं, समान हैं, कोई भी उन्हें उधार नहीं देना है। यदि आपसे कोई पैसे की मांग कर रहा है तो दोस्तों पैसा आपको भूल कर भी नहीं देना है। कि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप भावनात्मक हैं, आप किसी के दुख नहीं देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप उधार देते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय आपके लिए ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों यश में दुश्मन शत्रु आपको ठगने का भी प्रयास करेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल ही सावधान रहना है। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के जीवन काल में आपको एक बड़ी और महत्वपूर्ण उपाय करना है, जो कि दोस्तों वह यह है कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कैसे आपको अभिषेक करना है हम आपको बताते हैं। दोस्तों शिवलिंग पर आपको कच्चे दूध चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कच्चे दूध के साथ आपको चावल भी चढ़ाना है। दोस्तों इनसे आपके घर में धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को तिल चढ़ाना है। जी दोस्तों, इनसे समस्त पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको जो चढ़ानी है, इसे दोस्तों लंबे समय से जो भी समस्या आपके साथ चल रही है वे परेशानियां आपके जीवनकाल से दूर होंगी। शिवलिंग पर आपको गेहूँ चढ़ाना है। इनसे दोस्तों जो भी सौभाग्य है वे आपके साथ होंगी और सौभाग्य पुत्र की आपको प्राप्ति होंगी। साथ ही साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इनसे परिवार में किसी भी सदस्य का तेज बुखार है वो कम हो जाएगी और जो भी परिवार में कलह क्लेश रहते हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ शिवलिंग पर दूध चढ़ानी है, चीनी भी चढ़ानी है मिलाकर। दोस्तों इससे बच्चे की मस्तिष्क तेज होते हैं और दोस्तों घर में जो भी बच्चे होते हैं वो हमेशा हर कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति करते हैं। इसको उपरांत शिवलिंग पर गन्ने का रस भी चढ़ाना है। दोस्तों सभी सांसारिक सुखों की इनसे प्राप्ति होती है, जो भी आपके मन में इच्छाएं होती है उन सभी की प्राप्ति होती है। इसको उपरांत शिवलिंग पर आपको गंगा जल चढ़ाना है। इससे दोस्तों सभी मनुष्यों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, उसके साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। इसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल की समस्त प्रकार की समस्याएं और सभी प्रकार के कष्ट से आपको मुक्ति मिलने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों आपको एक और भी महत्वपूर्ण उपाय क्या करना है कि दोस्तों शुक्रवार के दिन आलू के पराठे दही के साथ मक्खन लगाकर दोस्तों जरूर खाएं। दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे तो दोस्तों आप सभी के जीवन काल में शुक्रदेव हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे। जी दोस्तों, साथ ही साथ अपने बालों को अच्छी तरीके से साफ रखिएगा। दोस्तों ऐसा करने से आप सभी के जीवनकाल में हमेशा शुक्रदेव प्रसन्न रहते हैं और जो भी लोग ऐसे नहीं करते हैं दोस्तों उनके जीवनकाल में बहुत प्रकार की समस्याएं आती है। तो दोस्तों अगले 7 दिनों में आपके जीवनकाल में बहुत ही अच्छे शुक्र की स्थिति है, तो दोस्तों ऐसे आपको कार्य करना है। इसके उपरांत दोस्तों हम आपको एक महत्वपूर्ण और बहुत ही भाग्यशाली उपाय बता रहे हैं, जो कि दोस्तों अगले 7 दिनों के अंदर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपके जीवनकाल में बहुत सारी समस्याएं, पेशों की समस्या चल रही है, पेशों की दरिद्रता आपके जीवनकाल में चल रही है, लेकिन दोस्तों अगले 7 दिनों में आपकी सारी पेशों की समस्याएं खत्म हो जाएगी। बस आपको ये उपाय करना है। दोस्तों पेशों की दरिद्रता दूर करने के लिए अगले 7 दिनों के अंदर अपने घर या फिर छत पर यदि पुराने सरिये लोहे का सामान, टीन कनस्टर या फिर प्लास्टिक के डब्बे हो तो दोस्तों उसी फौरन ही हटाए। जी दोस्तों ऐसा अगर कर देंगे तो दोस्तों शनि के ही प्रभाव आप सभी के जीवनकाल में जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म हो जाएंगे और दोस्तों हमेशा शनि का सकारात्मक प्रभाव रहेगा। और दोस्तों साथ साथ आप सभी को बता दें कि आपके जीवनकाल में जो भी पेशों की समस्या है, जो भी धन की समस्याएँ हैं वो भी इनसे समाप्त होती है। तो दोस्तों इन उपायों को आपको करना है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगले 7 दिनों में आपको 3 चीज़ों का दान भूल कर भी नहीं करना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वह कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों अगर आप इनका दान भूल से भी कर देते हैं तो दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में जो भी खुशी आने वाली है, जो भी आप सभी के जीवनकाल में सफलताएँ आने वाली है दोस्तों उनसे आप वंचित भी रह सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोस्तों सबसे पहला चीज़ यह है कि आपने जो भी कॉपी किताब में पढ़ाई की है, जो भी आपके घर की धार्मिक वस्तुएं हैं, धार्मिक ग्रंथ है, दोस्तों उन चीज़ों का दान किसी और को भी भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों ऐसा करने से आप सभी के जीवनकाल में जो भी अच्छे कार्य हैं वे सभी बुरी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें अगले 7 दिनों के अंदर कुछ भी दान कीजिए, लेकिन दोस्तों उपयोग किए हुए वस्तुओं का दान किसी को भी भूल कर भी नहीं करना है।
खासकर दोस्तों किसी भी पंडित या फिर किसी भी अच्छे इंसान को। जी हाँ दोस्तों, अगला जो चीज़ है वह यह है कि दोस्तों तेल का दान करना शनि के लिए शांति के लिए अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खराब या फिर उपयोग किया हुआ तेल का दान करना बिल्कुल ही अशुभ फलों का कारण होता है। इसलिए दोस्तों अगले 7 दिनों में इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगले 7 दिनों तक आप सभी का जीवन काल बिल्कुल ही बदलने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों बड़े ही मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, खासकर दोस्तों जो भी इंसान अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग अच्छे राहों पर चलते हैं, और दोस्तों आप लोग हमेशा अच्छे राह पर चले हैं, हमेशा आपने अच्छे कार्य किए हैं, तो दोस्तों आने वाले 7 दिन आपकी अच्छी खुशियों को लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इन बातों को। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय।